आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है ए 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट हैविंग मास 1:1:3 रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है एक बम है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और स्टेशनरी है यानी स्थिर अवस्था में है। अब वो फट जाता है, फट करके उसके 3 भाग हो जाते हैं और द्रव्यमान का रेशियो क्या है वो 3 भागों का, 1, 1 और 3 का। कह रहा है पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये जिनके मास द्रव्यमान यानी सेम है वो वाले भाग एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जाते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे से यानी 90 डिग्री पर। विद विलास्टी 30 मीटर प्रति सेकंड, और प्रत्येक की विलास्टी क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड है, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जा रहे हैं। करा देन द विलास्टी ऑफ विगर पार्ट विल बी, तब फिर ये 3 वाले की विलास्टी क्या होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा है तो बिगर पार्ट कह रहा है। तो इसको देखते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे लगाए हैं, अब इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार विस्फोट होने के पहले का जो संवेग था, विस्फोट होने के बाद का संवेग। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। फटने के पहले का संवेग बराबर टोटल फटने के बाद का संवेग। तो जब वस्तु फटी नहीं थी तो वो स्थिर अवस्था में थी। क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि स्टेशनरी था, स्टेशनरी का मतलब स्थिर, तो उसका वेग 0 होगा। तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला हम लगाएंगे एम वी इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री, क्योंकि 3 भागों में टूटा है। तो पहले वाले का द्रव्यमान और उसमें जब वेग का गुणा करेंगे तो वेग 0 है, तो टोटल 0 हो जाएगा। इक्वल टू 1:1:3 का रेशियो है तीनों के द्रव्यमान में जो 3 भागों में टूटा है। तो पहले की अगर बात करें हम, तो अगर हम रेशियो के रूप में लिखें तो 1, 1 और 3 कुल मिला करके 3 और 1, 1 सबको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ऊपर इनका रेशियो रखेंगे और नीचे टोटल रखेंगे, तो 1:1:3, तो पहले क्या होगा 1/5, द्रव्यमान 1 रहेगा, यानी उसको 1 को यम मान ले, 1 माने या यम माने तो m/5 हो जाएगा। पहले का वेग v1 हो गया और x अक्ष में चलेगा मान लीजिए तो उसके लिए i कैप हो गया, प्लस दूसरा y अक्ष में चलेगा क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। तो एक अगर x अक्ष में चलेगा तो दूसरा y में चलेगा या फिर z में चलेगा, 3 ही अक्ष होंगे और तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, तो हम z भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरे के 90 पर हैं तो x और y माना, तो x अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश i कैप लिख दिया, y एक्सिस के लिए एकांक सदिश j कैप लिख दिया, प्लस तीसरा 1:1:3 था तो 3m हो गया और टोटल 5, क्योंकि 3, 1 और 1 सबको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया वेक्टर, इसके बारे में हमको नहीं पता है। तो ये अब हमारा आ गया, इसका वेग निकालना है बड़े वाले का, तो इसको एक तरफ रखेंगे इन सबको एक तरफ, तो इसको एक तरफ किया तो 3m/5 वेक्टर v3 इक्वल टू, अब ये पूरा जो है माइनस में चला जाएगा जहाँ दूसरी तरफ जाएगा। तो m/5 कॉमन ले लिया, अंदर हो गया v1 i कैप प्लस v2 j कैप, तो ये हो गया v3, अब ये इधर चला जाएगा तो 5 से 5 कट गया तो 3 नीचे जाएगा, तो माइनस v1 3 i कैप माइनस v2/3 j कैप, माइनस का गुणा हो जाएगा पूरे में,
तो अब ये आ गया, V1 और V2 क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की 30 मीटर पर सेकंड वेग है, तो इसलिए V3 कितना हो गया, -10 i कैप -10 j कैप। 30 30 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इतना आ गया। अब देखिए ये i कैप और j कैप, तो i x अक्ष में, j y अक्ष में है, तो x और y दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। जब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस यानी विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो परिमाण हमारा होगा वो विकर्ण की तरफ जाएगा, जैसे पीछे अभी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका परिणामी होगा √10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √200 यानी 200। तो √200 को लिखेंगे तो 10√2 लिख सकते हैं। तो V3 जो है तीसरा वाला बड़ा भाग, उसका वेग कितना हो जाएगा, 10 की घात 10√2 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है ए मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। कह रहा है एक किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, उसको 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया गया है। आफ्टर 5 सेकंड इट एक्सप्लोड इंटू 2 पार्ट। 5 सेकंड के बाद ये 2 भाग में टूट जाता है। 1 पार्ट ऑफ मास 100 kg कम डाउन विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। जो बड़ा वाला भाग है जिसका वजन 400 ग्राम है, छोटा वाला, बड़े वाले का तो 600 ग्राम होगा, तो 400 ग्राम वाला नीचे की ओर जाता है 25 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टीज, तो जो दूसरा भाग है उसका वेग क्या होगा, गुरुत्वीय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको लेना। तो सेम क्वेश्चन जो अभी तक करते चले आए हैं वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, तो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड के बाद हम उनका वेग देखें तो गति का पहला नियम लग जाएगा, क्योंकि पहले स्थिर था फिर उसमें वेग आया फटने के बाद, तो V बराबर U माइनस GT लगा हुआ, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की ओर लगता है और पिंड को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसलिए माइनस जी लिखा गया, तो ये माइनस जी लिखा गया, तो V इक्वल टू U माइनस GT हो जाएगा, क्योंकि गति का पहला नियम का फार्मूला है V बराबर U प्लस AT या GT। तो ये हमारा हो गया, वेग हमारा हो गया, ये वेग देखिए प्रारंभिक वेग हमारा जब नहीं फटा था तो 100 मीटर पर सेकंड है, स्थिर नहीं है, 100 मीटर पर सेकंड है, ऊपर जाके फटा है, ये ध्यान देना, तो 100 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग 100 रख दिया माइनस गुरुत्वीय त्वरण 10 और समय 5 सेकंड क्वेश्चन में दिया है, तो ये हमारे पास अंतिम वेग आ गया 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब जब इसमें 50 मीटर पर सेकंड का वेग था तब ये फटा है, तब जाके ये फट गया है, तो जब फट गया तो फटने के पहले का संवेग बराबर फटने के बाद का संवेग, तो फटने के पहले ये एक था, फट गया 2 भाग में, तो MV इक्वल टू M1V1 + M2V2 हो जाएगा। तो M हमारा 1 किलोग्राम है और V हमने 50 निकाला, बराबर M1V1 + M2V2, पहले MV रखा बाद में M1V1 + M2V2 रखा। अब यहाँ पर देखिए एक जो नीचे की ओर भाग रहा है उसका द्रव्यमान 400 ग्राम था, उसको किलोग्राम में बदला तो 0.4 हो गया, तो m की जगह 0.4। अब देखिए वो नीचे की ओर जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से,
तो नीचे की ओर वेग को माइनस में लिया गया है, तो माइनस 25 मीटर प्रति सेकंड। प्लस अब देखिए, 1 किलोग्राम का है तो 1 0.4 ग्राम है, 4 किलोग्राम है तो दूसरा कितना होगा, 0.6 होगा, क्योंकि इसको जब जोड़ा जाए तो 1 आ जाए, तो ये 0.6 किलोग्राम हो गया। और वी डैश हमको निकालना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, सॉल्व करने पे वी डैश हमारा आ जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड अपवर्ड। नीचे की ओर देखिए वेग को निगेटिव माना है ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो ऊपर धनात्मक आया, हम इसको भी धनात्मक मान सकते थे, तो ऊपर वाले में ऋण आता तो हमको ये मानना पड़ता कि ऊपर हमने ऋणात्मक माना। तो ये 100 मीटर प्रति सेकंड 400 ग्राम वाला नीचे को जा रहा है, तो ये 600 ग्राम वाला ऊपर को भागेगा, जिधर पहले वाला एक पार्ट जाएगा तो उसके विपक्ष में दूसरा जाएगा, ताकि न्यूटन की गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो जाए। तो इस तरह से यह वी डैश हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है सेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक फ्लाइट है यानी जहाज है, उसमें एक सेल रखा हुआ है, सेल का मतलब गोला मान सकते हैं, वो फट जाता है और 4 अनइक्वल पार्ट मतलब बिना बराबर भागों में 4 भागों में वो फट जाता है। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, तो कह रहा है क्या उसमें संरक्षित रहेगा, ये हमको बताना है। तो याद रखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो केवल संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ये अलग अलग दे दिया है, तो केवल मोमेंटम संरक्षित रहेगा यानी संवेग, तो संवेग संरक्षित रहेगा। तो 28 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाते समय हमने बताया भी था। तो देखिए यहाँ पर 28 का बी ऑप्शन हमको करेक्ट मिल गया। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन फायर से बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक आदमी है, उसके पास बंदूक है, और बंदूक ए मैन फायर ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, और उस बुलेट का वजन है 200 ग्राम, और उसको मैन छुटा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कह रहा है द गन इज ऑफ 1 kg मास, उसका जो है बुलेट मतलब कारतूस का वजन 200 ग्राम है, और बंदूक यानी गन का वजन है 1 किलोग्राम। तो कह रहा है बाई व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड बैकवर्ड, तो कह रहा है पीछे की ओर किस गति से बंदूक जाएगी। तो हमने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है न्यूटन का, जिसमें हमने सीखा था कि कोई वस्तु को आगे की ओर अगर हम कोई बल लगाते हैं तो वो भी हम पर बल लगाती है। तो बंदूक अगर गोली को आगे भेजने के लिए बल लगाएगी तो गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर बल लगाएगी। तो वही कह रहा है कि गोली के आगे जाने के कारण बंदूक पर पीछे की ओर जो बल लगेगा उसके कारण बंदूक का वेग कितना होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, तो एक एक चीज को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो मास ऑफ बुलेट यानी कारतूस का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम, इसको हम वन माना है, किलोग्राम में बदला तो 0.2 किलोग्राम हो गया। इसके बाद स्पीड ऑफ बुलेट, कारतूस की स्पीड क्या है, V1 माना है, 5 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है। मास ऑफ गन यानी बंदूक का द्रव्यमान कितना है, M2 माना है, 1 किलोग्राम।
अब देखिए, जब फायरिंग नहीं हुई, जब बंदूक से गोली नहीं चलाई गई, उसके पहले का संवेग बराबर बंदूक से गोली चलाने के बाद का संवेग। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज जीरो। जब फायरिंग नहीं हुई थी तो कुल संवेग हमारा कितना था? जीरो था। आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज M1V1 + M2V2। और जब गोली छुटा दी गई तो बाद का संवेग M1V1 + M2V2 होगा, मतलब बंदूक का प्लस गोली का, जो गोली बंदूक से निकली है। तो फ्रॉम द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा? गोली छूटने के पहले का संवेग तो वेग था ही नहीं, क्योंकि बंदूक और गोली दोनों स्थिर थी, तो जीरो हो गया। और गोली छूटने के बाद का बंदूक का M1V1 + गोली का M2V2, या इन्हीं में से अदल बदल भी सकते हैं। तो ये हमारा आ गया V2 = -M1V1 / M2V2। तो माइनस एम वन कितना है? गोली का वेग, द्रव्यमान 0.2 गुणे गोली का वेग कितना है? 5 m/s / बंदूक का द्रव्यमान कितना है? 1 kg। तो ये आ गया -1 m/s बंदूक का वेग। अब देखिए, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जिधर गोली गई है उसके विपरीत दिशा में बंदूक जाएगी। तो न्यूटन के गति का नियम, तीसरा नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वो सत्यापित हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्सप्लोड्स एट रेस्ट इनटू 3 fragments विद मासेज इनटू रेशियो 1:1:3। कह रहा है एक 5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो 3 भागों में टूट जाती है, और जो 3 भागों में टूटती है तो द्रव्यमान का रेशियो क्या है? 1:1:3 का है। कह रहा है द फ्रैगमेंट्स विद इक्वल मासेज फ्लाई इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ये जो 1:1 का रेशियो है, इनके द्रव्यमान बराबर हैं, क्योंकि रेशियो 1:1 का है, तो ये एक दूसरे के 90 degrees पर जाते हैं, और उनका वेग कितना है? 21 m/s है। तो कह रहा है जो ये तीसरा है, तो इस तीसरे फ्रैगमेंट का वेग क्या होगा, जो सबसे हाईवीएस्ट है, यानी बड़ा है, क्योंकि 3 है ये दोनों, 1:1 है। तो यही क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, अब फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सिंस 5 kg बॉडी एक्सप्लोड्स इनटू 3 fragments विद मास इन रेशियो 1:1:3। 5 kg का जो वस्तु है वो 3 भागों में टूटती है, और उनका रेशियो क्या है? 1:1:3 का है। मासेज ऑफ फ्रैगमेंट्स विल बी 1 kg, 1 kg, and 3 kg। 5 kg है तो जाहिर से 1:1:3 का रेशियो है, तो 1 kg, 1 kg, और 3 kg रेशियो बराबर रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ 2 fragments each of mass 1 kg मूविंग द वेलोसिटी 21 m/s इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज। अब ये कह रहा है कि जो 1 kg, 1 kg द्रव्यमान है, ये 21 m/s के वेग से एक दूसरे से 90 degrees का कोण पर जा रहे हैं, तो इनका संवेग क्या होगा? तो जाहिर सी बात, दोनों एक दूसरे के 90 degrees पर हैं, तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा संवेग संरक्षण के नियम में। तो जाहिर सी बात है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर ही हमारा परिणामी संवेग होगा। तो यहाँ पर देखिए, √M1V1 / M2V2, क्योंकि एक x अक्ष में है तो एक y अक्ष में है, 90 degrees का कोण है, तो किसी एक को आधार मान लें तो आधार का स्क्वायर जो संवेग होगा प्लस लंब का स्क्वायर जो संवेग होगा भुजाओं में। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा √21² + 21², तो 21√2 आ जाएगा। अब इतना ही संवेग हमारा होगा विरोधी वाली वस्तु का, जो इन दोनों के कर्ण के विपरीत दिशा में जाएगी, जो हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण होगा उसके जस्ट अपोजिट जाएगी। तो संवेग इतना ही होगा, अगर उसका वेग मिल जाए तो द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, अगर द्रव्यमान मिल जाए तो वेग निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा? M3V3 यानी तीसरे पिंड का संवेग बराबर इन दो जो 90 degrees पर जा रहे हैं इनके परिणामी संयोग के संवेग के बराबर होगा। तो बराबर कर दिया,
तो एम थ्री वी थ्री बराबर 21√2 हो जाएगा। अब बड़े वाले का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है तो 3 रख दिया, वी थ्री हो गया बराबर 21√2, साल्व किया तो वी थ्री आ गया 7√2 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा वेग होगा बड़े वाले द्रव्यमान का। तो 30 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर वी इज एक्टेड बाई 3 फोर्सेज शोन बाई द वेक्टर। कह रहा है कि एक पार्टिकल है यानी एक कण है, वो वेक्टर वी वेग से मूव कर रहा है बाई एक्टेड बाई 3 फोर्स, उसमें 3 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं और 3 फोर्स जो है जो लग रहे हैं उनको वेक्टर के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये वेक्टर के द्वारा दिखाया गया है, तीनों बल इस प्रकार से लग रहे हैं, ये R है, ये P है, ये Q है, 3 बल इस प्रकार से लग रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ट्रायंगल PQR बन जा रहा है जो बल लगाए जा रहे हैं। कह रहा है द विलास्टी ऑफ द पार्टिकल विल, तो इस कण की विलास्टी क्या होगी जिसमें तीनों बल PQR इस प्रकार से लग रहे हैं, जैसे ये वेक्टर बनाए गए हैं उस प्रकार से लग रहा है। तो इसको देखते हैं, तो यहां पर देखिए बलों के नाम लिख दिया, ये इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया, इसको F3 मान लिया। तो देखिए 3 बल लग रहे हैं, तो एज पर ट्रायंगल अगर हम कोई जो है बल लगाएं और इस प्रकार से हो कि जो वेक्टर बनाया गया है यानी सदिश बनाया गया है वो ऐसे एक ही चक्र में घूमता नजर आए, जैसे यहाँ से चलें तो हम ऐसे 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 आ सकते हैं। तीर देखिए एक दूसरे की पूंछ से हेड टेल मिले हुए हैं, यानी पूंछ सिर पूंछ सिर पूंछ सिर, ये पूंछ है इस वेक्टर की, यह सिर है। अब इस वेक्टर की ये पूंछ है, ये सिर है, इस वेक्टर की इस वाले की ये पूंछ है, ये सिर है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ से चलें तो घूम करके फिर इसी जगह आ जा रहे हैं, कोई वेक्टर उल्टा नहीं है। तो अगर त्रिकोण में इस तरह की कंडीशन बनती है तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, त्रिकोणीय नियम के हिसाब से क्या स्थित हो जाएगी, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू 0, यानी तीनों बलों का सदिश योग 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, इस प्रकार से जो नेट बल होगा इन पर वो 0 हो जाएगा, हेंस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस प्रकार से क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब बल का परिमाण 0 हो गया, जहाँ बल नहीं लगता वहाँ वस्तु हमेशा एक समान वेग से चलती है या फिर वो स्थिर होती है। तो जब बल का परिमाण ही 0 हो गया तो उसका वेग रिमेन्स कांस्टेंट होगा, यानी वो एक समान वेग से चलेगी। तो 31 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 31 का डी देखिए रिमेन्स कांस्टेंट। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर। कह रहा है 3 बल किसी वस्तु पर लग रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो कह रहा है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। 2 बल जो हैं वो वाई दिशा में लग रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज। अब देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है कि दो फोर्स का जो परिणामी है, मान लीजिए एक एक न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट क्योंकि ये भी 30 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट इनका जो है वाई दिशा में जा रहा है। तो हमसे ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज। अच्छा अब समझ में आया, ये कह रहा है कि वाई दिशा में, देखिए 1 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है कि वाई दिशा में नहीं जाएगा, कुछ इधर उधर शिफ्ट होगा। ये वाई दिशा में तब जाता वाई अक्ष की तरफ जब ये 4 न्यूटन होता, ये भी 4 न्यूटन होता,
और ये एंगल तो खैर बराबर है, ये भी 30 डिग्री है तो ये 60 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये वाई डिग्री में तभी जाता वाई अक्ष में जब ये भी बल बराबर होता है इसके, तब तो जा सकता था। इसका परिणामी परिमाण हमेशा परिणामी बीचों बीच जाता। तो वही कह रहा है कि कितना एडिशनल फोर्स यानी कितना और अधिक बल इसमें जोड़ दिया जाए कि जो है ये वाई दिशा में इसका जो है परिणामी जाए, ये हमसे कह रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे कंपोनेंट हम लोग बैलेंस करते हैं, खुद ही हम लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण 1 न्यूटन के कारण ये किधर, ये क्या हो जाएगा, पास में कास सामने साइन लिखते हैं, तो हमको यक्स अक्ष वाले केवल बैलेंस करना है। तो ये हो जाएगा 1 1 न्यूटन का बल है, थीटा कितना है 60, तो 1 इंटू कास 60 डिग्री, ये इधर को हो जाएगा। अब देखिए ये 2 न्यूटन का है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, ये उल्टा वाले कोण है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो इसका मतलब ये वाला 60 होगा, तो ये 60 होगा, तो पास में कास, तो यक्ष अक्ष में इसके कारण भी 2 इंटू कास 60 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके कारण देखें 4 न्यूटन के कारण, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में ये 60 डिग्री है, तो ये 4 इंटू कास 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से ये इतने बल रहेंगे। तो देखिए यक्स डायरेक्शन में कितने हैं, तो कितना जोड़ दिया जाए कि यक्स में जो है ये जो कंपोनेंट है ये वाई के एकदम परपेंडिकुलर वाई पे जाए। तो इसको देखते हैं, तो जिधर इधर वाले सब जुड़ेंगे ये घटेगा, तो इधर वाले 2 हैं तो 1 इंटू कास 60 डिग्री जोड़ दिया, प्लस 2 कास 60 डिग्री इसको भी जोड़ दिया। अब ये देखिए उल्टा है, तो इधर अगर यक्स है तो इसके उल्टा ये है, तो कितना होगा यक्स माइनस 4 कास 60, तो ये कर दिया यक्स माइनस 4 कास 60, मतलब इधर को कितना बल है मिनिमम, तो इधर जितना है उसमें से ये घटा दें तो इधर जितना है वो निकल आएगा, तो यक्स माइनस 4 कास 60 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये जब पूरा जोड़ देंगे सब कुछ तो बराबर ये 0 हो जाएगा। टेकिंग यक्स कंपोनेंट द टोटल शुड बी 0, पूरा 0 होगा। फिर से समझ लीजिए कि जिधर वाले हैं वो जुड़ेंगे, एक तरफ वाले जुड़ेंगे दूसरी तरफ वाले घटेंगे, तो ये देखिए इधर को है तो सब जुड़ जाएंगे, तो 1 इंटू कास 60 प्लस 2 इंटू कास 60। अब ये इधर को है तो ये घटेगा, तो प्लस, अब घटेगा तो यक्स डायरेक्शन से कितना कम है, तो यक्स माइनस 4 कास 60 कम है इधर से, तो यक्स माइनस 4 कास 60 लिखा गया। अब ये टोटल 0 हो गया, तो सॉल्व करने पर cos 60 की मान 1/2 रख देंगे तो ये सब कट जाएगा, तो 0.5 ये आ जाएगा, और 2 इंटू 1/2 तो 1 ए आ जाएगा, और 4 इंटू 1/2 तो 2 ए आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 न्यूटन। तो 0.5 न्यूटन बल हमारा मिनिमम है, इतना और जोड़ दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये 32 का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला 0.5 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 बल हैं जिनको चित्र में दिखाया गया है, जिनमें से 2 बलों का जो रिजल्टेंट है वो केवल वाई डायरेक्शन में है, इन दोनों का वाई डायरेक्शन में है। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, तो कह रहा है कि कम से कम कितना बल जो है और जोड़ दिया जाए कि ये वाई डायरेक्शन में रहे। तब इसको फिर से समझ लीजिए कि ये 1 न्यूटन है, अगर ये 4 है ये 2 है,
या घटेगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो ये 2 न्यूटन आएगा। तो 2 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, और दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री है, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 30 होगा वाई एक्सिस से। तो 30 ये भी है, 30 ये भी, लेकिन ये परिमाण बराबर नहीं है। 2 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है। तो कह रहा है कि कितना इधर जो है जोड़ दिया जाए कि ये बैलेंस हो करके वाई के सामने आ जाए। तो जितना जोड़ा जाएगा वो हमने अभी निकाल के दिखा दिया आपको। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। तो 33 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग बाद में करेंगे, आज बस यहीं तक।